नमस्कार, आप देख रहे हैं जी एन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। पूर्व मांडर विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की मांडर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी और आज उनका नॉमिनेशन हो चुका है। अभी ये नॉमिनेशन हो चुका है, अभी ये राजभवन के समीप पहुँचे हैं और ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो भी जनता है, जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगी ताकि जनता इनको वोट दे, और कैसे, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे की रणनीति ये कैसे तैयार करेंगे। ये तो लोगों का जो प्यार है बाबा के लिए, वही प्यार ये मेरे को दे रहे हैं, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ इस प्यार के लिए। बहुत उत्साहित हूँ। इतना जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे, इसे आगे जाके मुझे पूरा करना है। इन सभी लोगों की सहायता से मुझे माड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। ये इज़ अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, विश्वास दिलाने की जहाँ तक बात है, बाबा ने जो भी काम किया है क्षेत्र के लिए, है ना, उसे मैं आगे बढ़ाने की चाहती हूँ और यही मैं अपील मांडर की जनता से कर रही हूँ। तो उनको भरोसा बाबा पे है, तो मुझे ज़रूर पता है कि उनको भरोसा मुझ पे भी है। बाबा के रास्ते पे चलना चाहते हैं? बिल्कुल, 100%। जो अभी झारखंड की स्थिति चल रही है, राजनीतिक स्थिति, जैसे अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर जो चल रहा है, कांग्रेस के साथ JMM का जो रहा पहले, मैं इस पोजीशन में पॉलिटिकली नहीं हूं कि मैं कुछ भी अभी इसमें कमेंट कर सकूं। सो प्रेजेंटली वी कैन टॉक ओनली अबाउट मांडर। बिल्कुल। वहां क्या-क्या समस्याएं आपकी नज़र में अभी हैं, जिसको जो आपके बाबा का अभी छूटा हुआ काम है? देखिए, जो भी अभी उन्होंने काम किया है वहाँ पे बहुत सारी कामें हुई हैं, किंतु बहुत सारी अभी काम बची हुई भी है। जैसे हमारी ज़मीन की जो प्रोटेक्शन के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, जो भाषा परंपरा बचाने के लिए जो जंग लड़ रहे हैं हम, माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, OBC कम्युनिटी है, उनको उनका हक दिलाने के लिए जो जंग है उसे आगे बढ़ाते जाना है। ये तो अभी एक शुरुआत है जो बाबा ने की है, जंग मुझे आगे लेके जाना है। उनके कन्विक्शन पर कितना आपको क्या कहना चाहते हैं? किस बात की कन्विक्शन? अभी उनको कई कामों से रोक दिया गया है, मतलब संवैधानिक तरीके से रोक दिया गया है, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए वो मुझे इसमें लाना चाहते हैं ताकि मेरे थ्रू वो अपना काम पूरा कर सके, काम ना रुके। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि ये क्या कुछ कहना चाहती हैं, और इनका कहना है कि अपने बाबा बंधु तिर्की के रास्ते दिखाए हुए रास्ते पे ही चलना चाहती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें GN भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।